राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक कंपनी है जो कि यूजुअली कंसल्टेंसी का काम करती है कैपिटल मार्केट के अंदर। कंपनी का नाम है GACM टेक्नोलॉजीज। सो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में ये कंसल्टेंसी का यूजुअली काम करती है, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनको भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का कहना है, और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में भी इसकी इंफॉर्मेशन जो है दी हुई है। बेसिकली कंपनी जो आज काम करती है ये पहले नहीं करती थी। पहले कंपनी का नाम था स्टेम्पीड फाइनेंशियल्स। तो अगर जैसे कि हम लोग कंपनी का पुराना जो डेटा अगर उठा के देखेंगे तो यहाँ पर स्टेम्पीड का नाम से इस कंपनी का नाम था उसने, जो कि इसने चेंज कर लिया है रिसेंटली। क्योंकि ये भी रिसेंटली जब ये स्टेम्पीड नाम से कंपनी चलती थी तब इसके ऊपर में ये जो काम करती थी वो शेयर ब्रोकर का भी काम करती थी। बाद में इसके ऊपर में एक केस चला था, उस केस के अंडर में इसने इसको कई चीज़ों के साथ में दोषी पाया गया था। क्लाइंट्स का जो पैसा होता है, जो फंड होता है अकाउंट के अंदर में, उसको गलत इस्तेमाल करना, उसका अनफेयर यूज़ करना, जो कि बाद में इसके ऊपर जो जांच चली थी तो इसके जो जो उस टाइम के जो मैनेजर्स थे कंपनी के अंदर में उनके अंदर में फाइल्स को डिलीट करने का इल्ज़ाम लगा था। जो इन्होंने बाद में फाइल्स जो थी जो बची कुची इनके ऊपर में जो एक फोरेंसिक वो जांच चली थी उसके अंदर में इनकी जो डिलीटेड फाइल्स थी उनको रिकवर किया गया था। इनके ऊपर में इल्ज़ाम लगे थे। सो टेम्परिंग का भी चार्ज लगा था रिकॉर्ड्स के साथ में, नॉन कम्प्लायंस का भी चार्ज लगा था। इसकी जो पूरी डिटेल है, जो पूरी फाइल है जो कि इसके ऊपर में केस चला था उसका, यहाँ पर एक जो इंडियन कानून .org वेबसाइट है उसके ऊपर में एक कॉपी उसकी पड़ी हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। जो कि इनके ऊपर में जो भी इल्ज़ाम लगे थे सब कुछ इन वहाँ पर दिखा हुआ है, जैसे मिस यूज़ ऑफ क्लाइंट्स फंड्स, इनकरेक्ट डेटा जमा करवाना, क्लाइंट्स का जो भी डेटा देना होता है एक्सचेंज को वो इनकरेक्ट दिया, टाइम पे नहीं दिया, राइट, पैसा घुमाया, क्लाइंट्स को जो दूसरे जो क्लाइंट्स होते हैं जो उनको खास ही खास टाइप की सर्विसेज देना, खास टाइप की सर्विसेज देने से मतलब आप समझ रहे होंगे। तो बाद में इस कंपनी को वहाँ से जो लाइसेंस था वो लाइसेंस लूज करना पड़ा, जो ब्रोकिंग का लाइसेंस था। फिर इसको एक 2019 के अंदर में PMS सर्विसेज का लाइसेंस मिला, वो फिर इसने सरेंडर कर दिया। और अभी जो रिसेंटली ये कुछ काम कर रही है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से रिलेटेड, ये काम कंपनी बोल रही है कि ये काम करती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी टाइप का आज के दिन काम कर रही है। वैसे इनके वेबसाइट के ऊपर में जाके अगर आप चेक करेंगे तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंडर में ये कंपनी बताती है कुछ काम करते हुए, बट यूजुअली ऐसा कुछ भी चीज़ दिखती नहीं है, जस्ट इट्स जस्ट देयर। अगर इनकी हम लोग अब आज के दिन इसका वीडियो बना क्यों रहे तो उसके पीछे रीजन है कि ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से और पैसा उठाना चाह रही है। GACM टेक्नोलॉजीज ने अपना नया नाम है इसके साथ में, और लगभग कितने 34 करोड़ रुपीज उठाने की कोशिश कर रही है, जिसके बदले कंपनी 34 करोड़ शेयर्स मार्केट में दे रही है। कंपनी जो पैसे उठा रही है वो 1 रुपये पर शेयर की रेट पे उठा रही है, और जिस भी भाई के पास में 16 तारीख से पहले इस कंपनी के 16 तारीख को जिस भी भाई के पास में इस कंपनी के शेयर्स थे उनको हर एक शेयर के बदले एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने वाले हैं, और उस एक्स्ट्रा शेयर के बदले आपको 1 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे सामने आई थी रिसेंटली, काफ़ी भाइयों को समस्या थी कि वो ये राइट इशू वाले जो शेयर्स होते हैं जिनका नाम RE से शुरू होता है, किससे, RE से एंड होता है जिसका नाम, वो शेयर्स को अगर आप ना खरीदें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम वाले शेयर्स होते हैं, उनकी रेट होती है वो यूजुअली लो रहती है, 98 रुपया ये इस टाइप से रहती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक सेकेंड तो वो किस नाम से रहते हैं, एक सेकेंड, थैंक यू फॉर होल्डिंग बैक। देख जैसे कि अभी स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं ये जैसे ये स्प्राइट नाम की कोई कंपनी है, इसके जैसे आगे लिखा हुआ है RE,
इस टाइप से अगर किसी भी शेयर के आगे आपको अपना नाम लिखा हुआ दिखता है, इसमें समझ लीजिए वो टेम्पररी शेयर्स हैं, कुछ वक्त के लिए ही है। जैसे यहाँ पे स्प्राइट आरई का जो ये शेयर्स है 2.80 रुपये का चल रहा है, बट एक्चुअली अगर आप स्प्राइट का शेयर देखेंगे, स्प्राइट एग्रो का, तो यहाँ पे उसका जो शेयर प्राइस चल रहा होगा वो 66 रुपीज का चल रहा है। तो कई भाइयों को लगता है कि स्प्राइट का शेयर हमको इतना सस्ता मिल रहा है 2.80 रुपये, या फिर यूजुअली सस्ते के पीछे लोग भागते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो टेम्पररी शेयर्स होते हैं वो कुछ टाइम में बाद में लैप्स हो जाते हैं, तो आपको एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि इनका पेमेंट हमें बाद में अलग से करना पड़ता है नेट बैंकिंग के थ्रू। जगह अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर, तो फिर आपके इशारे के सारे जो पैसे आपने इन शेयर्स में लगाए होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट तो पूरा ही जुआ है, जुआ नहीं है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, राइट। और राइट इश्यूज़ के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल्स के अंदर में, तो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे रखे हैं राइट इश्यू के रिगार्डिंग, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर कि ये कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो कंपनी बोले कि हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सर्वर्स खरीदने हैं, उसके लिए हमें पैसों की यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरा, जो ऑलरेडी हमारे पास में लोन है हमारे ऊपर में प्रमोटर्स के द्वारा दिया हुआ, उस लोन को भी हमें चुकाना है। और बाद में एक कंपनी है इन्हीं की नाम की, गई आधी फिनटेक, मतलब नाम बड़ा अजीब है, गई आधी, तो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि होली ओन सब्सिडियरी कंपनी की पूरी इसी की कंपनी है, वो कोई दूसरे का भागीदारी उसमें नहीं है, उसके अंदर में पैसा लगाना है। और जो इसी टाइप के जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको एक्वायर करना है, उसके लिए पैसों की यहाँ पर ज़रूरत है। तो कंपनी एक काइंड ऑफ वापस कमबैक का यहाँ पे बात कर रही है कि हम वापस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, दूसरे बिजनेस के थ्रू अंदर में घुसना चाह रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये वापस से बिजनेस में घुसना तो चाह रही है, बट इन्वेस्टर्स भरोसा कैसे करें, क्योंकि पहले वाले जो बिजनेस एक संभालते थे उसके अंदर में इनकी बैंड बज गई, ये पकड़े गए थे अच्छे खासे तरीके से, पकड़े गए थे सबूतों को मिटाते हुए भी पकड़े गए, राइट। इनका बिजनेस बंद हो गया, वही लोग वापस से फिर से नई कंपनी एक नए बिजनेस के अंदर में घुसना चाह रहे हैं, तो लोग भरोसा कैसे करें, नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स ही बात है भरोसा। तो अब ये लोग यहाँ पे पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और नए सपने दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। अब आज के दिन अगर हम लोग कंपनी को देखते हैं यहाँ पर, तो कंपनी यहाँ पर अच्छे खासे ऊपर तरीके से ऊपर गई थी और उसके बाद में वापस नीचे आ गई, कंसोलिडेशन फेज से गुजरी और वापस से इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो कंपनी के अंदर में कुछ खास प्रमोटर्स आज के दिन नहीं है, लगभग 8% के आसपास में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। और वही कौन है, वही गई आधी इन मैनेजमेंट, गई आधी होल्डिंग के नाम से जो कंपनी है उसी के शेयर्स यहाँ पर, वही एकमात्र इस कंपनी के प्रमोटर आज के दिन बनी हुई है मेनली। अब ये भी कब तक रहेगी, अब ये देखा जाए तो वैसे ये कंपनी की प्रमोटर नहीं थी कई आदि होल्डिंग, ये एक्चुअली पहले पिछले टाइम तक अगर पहले काफ़ी टाइम पहले तक देखेंगे तो ये पब्लिक की फॉर्म में कंपनी प्रमोटर नहीं थी, पब्लिक की फॉर्म में इसके पास में शेयर होल्डिंग थी। बाद में क्या हुआ, पब्लिक जो इनको इनकी एक सब्सिडियरी थी, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो इनका देखो 2018 के आसपास में अच्छा खासा बैलेंस शीट थी, 56 करोड़ के आसपास की थी। बट यहाँ पर एक यूएस की एक सब्सिडियरी थी जो कि सेम यही टाइप का काम करती थी यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए, यूएस बेस्ड कंज्यूमर्स के लिए, वो वहाँ पर बंद हो गई, तो उसमें इनका अच्छा खासा पैसा डूब गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है 2019-20 की उसमें दिया हुआ है, इसको आप चाहे एक बार पढ़ सकते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो वहाँ पर अच्छा खासा पैसा इनका डूब गया, उसके बाद में इनकी जो होल्डिंग थी उस कंपनी में डूबने के बाद में नुकसान इनको झेलना पड़ा, उसके बाद में तो ये अभी तक सेल ही नहीं पाए, मतलब सिर्फ नुकसान में डूबते जा रहे हैं। पहले भी पैसे उन्होंने उठाने की कोशिश की है, बट कुछ खास फायदा पैसे उठाने का हुआ नहीं है। अभी भी अगर देखते हैं तो इनका जो बिजनेस जो चल रहा है मेनली, वहाँ पर कुछ खास ये प्रॉफिट कर नहीं पा रहे हैं। अभी इनके पास में आज की हालत ऐसी है कि 6.75 करोड़ इनके पास में पैसे पड़े हुए हैं, बाकी 8 करोड़ रुपये हैं वो अदर एसेट्स की फॉर्म के अंदर में ही पड़े हुए हैं। तो अब ये नए काइंड ऑफ सपने दिखा के, वही वाला मैनेजमेंट नए सपने दिखा के, नए तरीके से नए कंपनी को नए सिरे से उठाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। बट यहाँ पर एक बार धोखा खा लिया तो अब जिन इन्वेस्टर्स को दोबारा भरोसा आ सकता है वो लगा सकते हैं इसमें पैसा, जिनको नहीं आ रहा है वो स्किप कर सकते हैं, वो इसको बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट डू दैट, सिंपल, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार कंपनी के, अगर और आपको अगर डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सामने दिखा हुआ है सब कुछ,
कमाई कुछ खास कर नहीं रही है, यूजुअली जितना रेवेन्यू कर रही है उससे कितना ही गुना ज़्यादा तो इनका खर्चा हो जा रहा है। राइट, 21 में, 22 में, मार्च, फिर 2023 में ठीक ठाक हुआ, फिर यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ, बट एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि इस साल इनको राइट इशू से पैसे उठाने थे, तो भरोसा कैसे करेंगे ये वाला जो पैसा ये रियलिटी में हुआ है। क्योंकि जब कंपनीज को पैसे उठाने होते हैं ना तो उनकी अचानक से उनकी सेल भी अच्छी खासी हो जाती है, एक्सपेंसेस भी घट जाते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पर इनका कैश फ्लो भी फिर भी बेकार ही है, अभी भी 2.5 करोड़ रुपये नेगेटिव में ही बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमुख शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ खास है नहीं, तो आई डोंट थिंक कि कंपनी को पैसों की यहाँ पर बिजनेस के लिए ज़रूरत है, कुछ कहीं कोई खास रीज़न दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल अब एक और सवाल यहाँ पर बनता है अभी भी कि ये कंपनी के यहाँ पर दो टाइप के नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक कंपनी के नॉर्मल शेयर्स अवेलेबल हैं जैसे जी ए टेक नाम से, दूसरे कंपनी के एक टाइप के शेयर्स और अवेलेबल हैं जो कि जी ए टेक डी वी आर नाम से हैं। राइट, जी ए टेक डी वी आर डिफरेंशियल डी वी आर डिफरेंशियल क्या वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स नाम से, इसका जो यूजुअली जो रिकॉर्ड डेट आया है राइट इशू के बाद में, तो इस कंपनी के जो जिसके जो नॉर्मल शेयर्स हैं उनका रेट नीचे की तरफ में शिफ्ट हो गया, 1.26 रुपये रह गया है, और जो टेक डीवीआर वाले जो शेयर्स होते हैं वो 2.44 रुपये के आसपास में। सो इसके शेयर्स जो हैं, ये डीवीआर वाले शेयर्स जो हैं वो महंगे हैं अभी भी, बट इनका जो प्राइस आपको पे करना है, चाहे जिनके पास में डीवीआर वाले शेयर्स हों चाहे जिनके पास में नॉर्मल शेयर्स हैं, दोनों ही राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों को ही एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने वाले हैं, दोनों को ही 1 रुपये का ही पेमेंट करना है। तो अब यहाँ पे अगर डाउनवर्ड अगर स्टॉक मार्केट में जाता है ये राइट इशू के पैसों के बाद में, तो अगर किसी को कोई भरोसा दिखता है तो वो कोई से भी शेयर उठा सकता है, GACM टेक्नोलॉजी वाले DBR वाले शेयर उठा सकता है या फिर नॉर्मल शेयर्स उठा सकता है, दोनों के पास में नॉर्मल ही पैसे लगने वाले हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स जो आप लोगों को मिलने वाले हैं उसके बदले। पर यहाँ पे फिर भी देख लेना एक बार, मेरे को भरोसा कंपनी में नहीं आ रहा है पर्सनली बेसिस के ऊपर, जो लिमिटेड हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से, चाहे वो DBR के थ्रू हों चाहे फिर वो नॉर्मल शेयर्स के थ्रू हों। दूसरी चीज़, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, एक तो इनके ऊपर में मैनेजमेंट वही का वही है, केसेस हो रखे हैं, वापस वही मैनेजमेंट दोबारा सब नए सपनों के साथ में आ रहा है, तो एक चीज़ है तो वो। दूसरा रीज़न ये कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चाह रहा है, ज़बरदस्ती चाह रहा है कंपनी के स्प्लिट करके राइट इशू ला के, कि इस जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 1 रुपये इसके आसपास में ही रहे, बार बार वो कोशिश कर रहा है कि इसी के आसपास में रहे। और जब कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट पेनी स्टॉक कैटेगरी में अगर अपने शेयर को रखना चाहता है अपनी कंपनी के शेयर्स को, तो समझ लीजिए वहाँ पे कुछ ना कुछ घपला है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक जो सस्ता दिखने वाला एक शेयर है उस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, वो उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि मार्केट में सस्ते शेयर्स को ढूंढते हैं, और जो यूजुअली जो लोग सस्ते इन्वेस्टर सस्ते शेयर्स को ढूंढते हैं वो वैल्यू नहीं देखते, वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, तो ऐसे शेयर्स को मैनिपुलेट करना भी आसान होता है। तो मैनेजमेंट बार बार यही चाह रहा है कि इसका जो प्राइस है वो हमेशा पेने स्टॉक्स में ही रहे, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट मैनेजमेंट के खिलाफ नज़र आता है। साथ में इसके जो प्रमोटर हैं उनकी शेयर होल्डिंग कुछ खास है नहीं, और कंपनी को चला कौन रहा है, किस दिशा में लेके जा रहा है, ये भी समझना बहुत मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर इनकी बिजनेस को अगर देखते हैं तो बिजनेस भी कुछ खास है नहीं, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव इनके बिजनेस में देखने को मिल रहा है सेल्स और एक्सपेंसेस के बेसिस के ऊपर में, कि किसी भी टाइप का किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, क्या सेल कर रही है, क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, किस चीज़ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। तो ना मैनेजमेंट समझ में आ रहा है, ना बिजनेस समझ में आ रहा है, ना कौन संभाल रहा है कंपनी वो समझ में आ रहा है, रियल रीज़न पैसे उठाने का समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ कि शेयर्स को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अच्छे में बिजनेस भी है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चल क्या रहा है, पूरा कंपनी ही समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी आपको और रिसर्च करने की ज़रूरत है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को और पूछने की ज़रूरत है, और रिसर्च करने के बाद में ही डिसीजन अपना बनाएं। कंपनी के बारे में मेरी तरफ से नेगेटिव ही रिव्यू है, बाकी आप अपना एक बार को देख सकते हैं। राइट इशू के अंदर पैसा लगाने की बात यहाँ तक है कि जब आपको कंपनी में भरोसा नहीं आ रहा, फिर राइट इशू में पैसा लगाने के बारे में तो मतलब बात वही होगी, राइट इशू के थ्रू पैसा लगाओ जो नॉर्मली पैसा लगाओ, तो आप जब नॉर्मली पैसे लगाने के लिए सही नहीं बैठ रही है तो फिर राइट इशू के थ्रू पैसा लगाने में कैसे सही बैठेगी।
दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, सी यू टुमारो।